जंगल में अवैध कब्जे पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लगभग 30 एकड़ वन भूमि को कब्जे से कराया मुक्त। अवैध बनी झोपड़ी और कृषि कर रहे भूमि को कब्जाधारियों से कराया मुक्त। वन विभाग में वृक्षारोपण हेतु खोदे गए गड्ढे। वन विभाग के द्वारा सिकारा वन परिक्षेत्र में की गई कार्रवाई। सिवनी जिले की बिनय की सीमा पर स्थित वन परिक्षेत्र सिकारा के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा जंगल में अतिक्रमण की खबरें लगातार मिल रही थी, जिस पर उपवन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी रुचि पटेल ने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में दिनांक 8 मई को कार्रवाई की। अवैध कब्जा वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से वन परिक्षेत्र अधिकारी रुचि पटेल ने वन विभाग के अमले के साथ उप वन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम डिप्टी रेंजर महेश पुष्कर, वन परिक्षेत्र रक्षक खेम सिंह राजपूत, ममता नेताम, रावेंद्र शुक्ला, नंदन यादव, मुकेश तिवारी लखनादौन वन अमले के साथ वन भूमि पर कब्जा करने वालों को हटाने सिकारा के जंगल में दबिश दी। यहां रिजर्व फॉरेस्ट के जंगलों में कब्जा पाया गया। कब्जा की मंशा से वन संपदा को नुकसान पहुंचाना भी तथा वन्य प्राणियों के घोंसला या उनके रहवास को नष्ट करने उनके शिकार के उद्देश्य से ग्रामीण वहां अपना निवास रख रहे थे। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि नंदन कुलस्ते ने लगभग 3 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निवास कर रहे थे, जो कि वन संपदा को नुकसान हो रहा था। अनेकों बार समझाने पर भी नहीं माने, तब जाकर 8 मई को वन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 12 मई को न्यायालय में पेश किया गया।